नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को दिया गया धमकी के बारे में। आपको पता होगा कि हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने का धमकी दिया गया था, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बात नहीं बता पाया था कि आखिर सलमान खान को धमकी दिया किसने था। मैंने कुछ हद तक चर्चा किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने पता लगा लिया कि आखिर किस बंदे ने सलमान खान को धमकी दिया है। आज के इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे। पूरे वारदात को सुनने के लिए वीडियो को आपको पूरा तो देखना ही पड़ेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बता दें कि सलमान खान के पिता सलीम खान, उनके बारे में बताया जाता है कि वो प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक पर जब वो गए थे तो उन्हें एक लेटर मिला था, जिस लेटर में सलमान खान के खिलाफ धमकी लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि सलमान खान तुम्हारा हाल भी सिद्धू मूसेवाला की तरह करेंगे। और आपको बता दूं कि उस लेटर में एक चीज लास्ट में ये भी लिखा था, जीबी और एलबी, जिसमें जीबी का फुल फॉर्म हुआ गोल्डी बरार और एलबी का फुल फॉर्म हुआ लॉरेंस बिश्नोई। तो बाद में लोगों को ये लगा कि हाँ, ये लॉरेंस बिश्नोई का ही काम होगा, लेकिन बताया जाता है कि हाल ही में जब दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करी कि क्या तुमने ही सलमान खान को धमकी दिया है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा नहीं, मैंने नहीं दिया है। तो सलमान खान के बारे में लॉरेंस बिश्नोई ने और ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने जब धमकी नहीं दिया तो किसने धमकी दिया। बता दें कि हाल ही में हमदर्द टीवी, जो कि बताया जाता है कि एक न्यूज चैनल है, तो उसके एंकर ने हाल ही में बात करा था उसका नाम था राजवीर सोपू। आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो वो जिन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था उसी समय में उसने स्टूडेंट यूनियन में आकर के अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। चूंकि बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि अपने कॉलेज में चुनाव लड़ा था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को हार मिला था, और हार मिलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई बौखला गया और बौखलाने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने पहले भी सलमान खान को जान से मारने का धमकी दिया था, लेकिन इस बार सलमान खान के बारे में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मैंने उसे इस बार धमकी नहीं दिया। तो आखिर धमकी देने वाला ये जो बंदा है, ये है कौन? बता दें कि ये धमकी देने वाला बंदा है राजवीर सोपू, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसी ने सलमान खान को धमकी दिया। अब जानते हैं कि आखिर राजवीर सोपू ने क्या बताया और उसने क्यों सलमान खान को धमकी दिया। आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि बिश्नोई समुदाय से बिलोंग करता है, तो बिश्नोई समुदाय के जितने भी लोग होते हैं वो काले हिरण का पूजा करते हैं, और सलमान खान के ऊपर एक आरोप है कि उसने काले हिरण का कत्ल करा था। तो काले हिरण के कत्ल के कारण सलमान खान के ऊपर तो कार्रवाई भी करा गया था, सलमान खान को जेल का सजा भी हुआ था, लेकिन सलमान खान जेल तो नहीं गए। तो सलमान खान बाहर से ही केस लड़कर के केस जीत गए और बाद में सलमान खान को रिहा कर दिया गया। तो आज के समय में सलमान खान के ऊपर बताया जाता है कि अब ये केस जो कि नहीं है। तो इसी वजह से बताया जाता है कि राजवीर सोपू जो कि काफ़ी दुखी है, राजवीर सोपू का कहना है कि सलमान खान जो कि आज तक माफ़ी नहीं मांगा है, वो केस लड़कर के केस तो जीत गया लेकिन हम लोग फिर भी उसे माफ़ करने वाले नहीं हैं। बता दें कि बिश्नोई समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको आज के समय में सलमान खान से सच में दुख है, क्योंकि सलमान खान ने काले हिरण का जो हत्या करा था तो उसके बाद वो कानूनी तौर पर तो बच गया है, लेकिन असल मायने में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सलमान खान से आज भी नफरत करते हैं, और उन्हीं नफरत करने वालों में से एक है राजवीर सोपू। तो राजवीर सोपू ने कहा कि मैंने इसलिए धमकी दिया ताकि सलमान खान माफ़ी मांगे, मैं सलमान खान को नहीं मारूंगा, लेकिन वो एक बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर के माफ़ी मांग ले, बोल दे कि मैंने जो काले हिरण का कत्ल करा था ये मैंने गलत किया, और एक बार यदि वो माफ़ी मांग लेता है तो हम लोग छोड़ देंगे, और यदि वो माफ़ी नहीं मांगता है तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो बस यही सच्चाई था, और राजवीर सोपू से बहुत कुछ बात करा गया। राजवीर सोपू से यह भी कहा गया कि तुम लोग ऐसा करते क्यों हो, तो राजवीर सोपू ने कहा कि ये हमारा कोई इच्छा नहीं है या फिर हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम सलमान खान के ऊपर किसी भी तरह से कुछ भी साजिश रचे या फिर सलमान खान को जान से मारे, ऐसा हमारा कोई भी मकसद नहीं है, ये तो सलमान खान हम लोगों को मजबूर किया ऐसा करने के लिए। तो बता दें कि राजवीर सोपू जो कि आज के समय में बताया जाता है कि वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही बिलोंग करता है, तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करता है राजवीर सोपू। अब देखो, लॉरेंस बिश्नोई को कई दफ़ा पता नहीं होता है कि उसके गैंग के लोग क्या क्या करते हैं, तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मैंने तो धमकी नहीं दिया, लेकिन अब खुलासा हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही बिलोंग करने वाला राजवीर सोपू ने ही सलमान खान को धमकी दिया। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि सलमान खान को धमकी किसने दिया था और धमकी किस वजह से दिया था। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो अवश्य करना, और कभी भी आपराधिक काम नहीं करना, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो और ज़िंदगी को मज़े से जियो। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नए खबर के साथ।